Hello friends, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. Just a quick disclaimer guys, I am not fine today. थोड़ा सा जुकाम है, खांसी है, so ignore my voice today. लेकिन आप लोग को all the best देना जरूरी था, so that's why I am up with this video. क्योंकि guys, अभी last एक साल में जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, वो एक तरफ है. एंड अपकमिंग 15 डेज जो है वो एक तरफ है. लास्ट एक साल में जितनी प्लानिंग की, जितने एफर्ट्स लिए, वो एक तरफ है. एंड एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो नेक्स्ट 15 डेज का है वो एक तरफ है. तो क्या ऐसी चीजें करनी है नेक्स्ट 15 डेज में जो आपको एक्चुअल सक्सेसफुल बनाएगी अपकमिंग अटेम्प्ट में, बिकॉज दीज 15 डेज कैन एक्चुअली मेक यू और ब्रेक यू कंप्लीटली. तो क्या ऐसी चीजें करनी है, सम टिप्स एंड ट्रिक्स, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और इसी तरीके के लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज, मेंटली बूस्टिंग वीडियोज जो आपके आगे के 6 महीने बचा सकते हैं, आई एम गोइंग टू पुट थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन. सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन. So the very first point here is guys, avoid panic. अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं. फर्स्ट चीज जो है वो सेल्फ क्रिएटेड पैनिक होता है. अरे यार, सडनली आप बोले अरे उसका क्लॉज क्या था, उसका सेक्शन नंबर क्या था, इसमें अमेंडमेंट क्या था. सडनली आपको नींद में से उठते हो गए, राइट गाइज, अरे इसका क्या था, इसमें क्या लिखना था. आई नो इट हैपन्स, इट इज वेरी नेचुरल, इट इज नर्वसनेस, इट इज प्योर नर्वसनेस. लेकिन गाइस एक ही बात ध्यान में रखनी है, ये नर्वसनेस को फियर में कन्वर्ट होने नहीं देना है. ऑफ कोर्स आप सीए के एग्जाम्स दे रहे हो, नर्वसनेस इज वेरी नेचुरल, लेकिन ये नर्वसनेस को फियर में कन्वर्ट होने दे दिए गाइस, तो ये 10-15 डेज आपको कंप्लीटली एक्चुअली फेल करवा सकते हैं, ट्रस्ट मी. सो मेक योर फेथ स्ट्रॉन्गर देन योर फियर. कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो दैट माई फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन माई फियर. खुद को बस ये ही अश्योरेंस देते रहो बार बार. क्यों गाइस पता है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, एक साइकोलॉजी सोचो कि ये अमेंडमेंट में क्या था, इसमें क्या था, ये क्लॉज में क्या था, ये सेक्शन नंबर में क्या था, ये किसके दिमाग में आएगा जनरली, जिन्होंने पढ़ाई की है अभी तक. इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत भूल जाना नेचुरल है, बिकॉज इतना ह्यूज सिलेबस होता है एक सीए स्टूडेंट का, एक सीए कोर्स का, तो इट्स नेचुरल. तो थोड़ा बहुत भूल गए तो दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट इससे एक बात समझती है कि आपने पढ़ाई की है. सो लुक एट द ब्राइटर साइड नाउ. अभी दूसरा पैनिक होता है कि यार जो लोग क्रिएट करते हैं, अरे इसमें से तो पक्का क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर, अरे तूने ये चैप्टर ड्रॉप कर दिया, इसमें से तो पक्का क्वेश्चन आने वाला है, अवॉइड इट. ये लोग कोई आईसीआर के पीपल नहीं है, कोई पेपर सेटर्स नहीं है, बस एक जो ऑलरेडी लोग नर्वस होते हैं, पैनिक में होते हैं, उनको बस इरप्ट करने का काम कर रहे हैं ये लोग. सो यू हैव टू अवॉइड दीज पीपल. और ये दोनों टाइप ऑफ पैनिक अगर आप अवॉइड कर गए तो आपका मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहेगा और आपका बेस्ट शॉट दे पाएंगे, राइट. कभी भी आपको कुछ भी लगे कि आपको किसी से बात करनी है, डर लग रहा है, लो ऑन कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग फॉर काउंसलिंग सेशन. लेकिन अभी कुछ भी करके मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रखनी है, दैट्स द रूल हियर, दैट्स द थंब रूल अल्टीमेटली. द सेकेंड थिंग इज वन डे बिफोर एग्जाम्स का प्लानिंग. गाइज आई नो आपने नोट्स बनाए होंगे, फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, क्विक पिक समरी नोट्स या फिर फॉर्मूला बुक सब बनाया होगा आपने, कॉन्सेप्ट रजिस्टर वगैरह, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले उसको फॉलो करना है. ट्रस्ट मी गाइज, अपने पास 27 आवर्स होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले. इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट कि 27 आवर्स कैसे मिलते हैं. सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. बट आपकी जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है, पुराने पेपर का बैगेज दूसरे पेपर पे कभी भी कैरी ऑन नहीं करना है, राइट. तो जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करना है, ये थंब रूल, नेक्स्ट थंब रूल है. और अगर आपने नहीं बनाए हैं नोट्स तो यू हैव गॉट अ हेल्पलाइन. अन अकेडमी इज कंडक्टिंग वन डे बिफोर एग्जाम का रिविजन बैचेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फॉर ऑल द 3 लेवल्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल्स, फ्रॉम द 21st ऑफ दिस जनवरी.
सो गाइज दिस बैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड बाई टॉप एजुकेटर्स. तो जहां पे भी आपको लगे यार इसके नोट्स रेडी नहीं है, इसका प्लानिंग नहीं है, इसको एक दिन पहले कैसे पढ़ना है मैं श्योर नहीं हूं अभी तक, क्लैरिटी नहीं है, तो ऑफकोर्स यू कैन गो एंड अवेल द बेनिफिट आउट ऑफ इट. क्योंकि जब प्लान नहीं होता है तब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है, एंड द मोमेंट यू वॉच दीज रिविजन लेक्चर्स योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू सर्टनली बूस्ट अप. क्या करना है, सिंपली साइन अप करना है एंड यू हैव टू यूज दिस कोड RCH10 सो दैट यू कैन अवेल ऑल दीज बैचेस फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो दैट्स अबाउट वन डे बिफोर एग्जाम. एंड थर्ड चीज है एग्जामिनेशन में जाके कैसे करना है, क्या करना है. अभी गाइज आपने देखा होगा नवंबर एग्जाम्स के बच्चों का, अभी जैसे CA फाइनल का मुझे याद है SFM पेपर डिफिकल्ट आया था, यू नो. लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, नॉर्मल एक जो मेरा फीडबैक निकला है उससे 30-35 मार्क्स का पेपर जरूर ओवरबोर्ड आया था, लेकिन 65-70 मार्क्स का लिख सकते थे क्योंकि एट द एंड बेसिक्स तो सेम ही होते हैं. और जिन्होंने एग्जाम में एक काम स्टेट ऑफ माइंड से वो 65-70 मार्क्स का लिखा, उन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम लिखा अच्छे से लिखा, 70 मार्क्स का लिखा, लेकिन वी आर श्योर कि उसमें से 50 मार्क्स मिल जाएंगे. एंड जो स्टूडेंट्स एग्जाम में पैनिक कर गए कि ओ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, उनको एग्जाम के दो दिन बाद रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा काम स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन रखते ना तो भले कम थोड़ा सा मार्क का अटेम्प्ट करके आते लेकिन पास जरूर हो जाते. तो एक मेंटालिटी का फर्क देखो गाइस. तो आपको ऐसी मेंटालिटी अभी से मेंटेन रखनी है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. इसके लिए मैंने क्विक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उससे आपका एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा एग्जाम में पेपर कैसे ऑप्ट करना है. आई एम गिविंग द लिंक टू दैट हियर इन द आई बटन समवेयर. ओके गाइस, सो वो देखो. एक ही बात ध्यान में रखो, पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है. नाउ आप उसमें से यू नो यू द गेम इज नॉट ओवर अंटिल यू क्विट. तो जितने भी बेसिक्स, जितनी भी लर्निंग्स, जितना भी नॉलेज है आपका टिल डेट, उसको एग्जीक्यूट करना है एग्जाम में. कुछ नहीं तो सही स्टेप मार्किंग तो मिलेगी मिलेगी. ओके गाइस, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखो. लुक एट द ब्राइटर साइड, एक काम स्टेट ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज द डायरेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स इज ओनली एंड ओनली फॉरवर्ड. कैरी द कॉन्फिडेंस ऑन योर स्लीव एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Just rock the exams, okay? This is me signing out. Ta-ta. Bye-bye.